यही समझने की कोशिश करूंगा आपसे। जेपी सिंह साहब, देखिए राजीव जी, आज से 15 दिन पहले तक ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि गुजरात में भाजपा की लड़ाई आम आदमी पार्टी से है, कांग्रेस टूट देता है, और प्रधानमंत्री को अपनी मीटिंग में ये कहना पड़ा कि कांग्रेस खामोशी से चुनाव प्रचार कर रही है। मुझे इंटेलिजेंस की जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ और आप लोग मेहनत करो। आपको याद होगा जब पिछली बार गुजरात की बात हुई थी तो मैं अकेला वक्ता था आपके यहाँ, जो कह रहा था कि गुजरात में जो है कांग्रेस की जीतने की आपके देश में प्रबल संभावना है अगर आज चुनाव हो, और आज ही मैं कह रहा हूँ कि अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस के जीतने की प्रबल संभावना है। बीजेपी दूसरे स्थान पर आए और आप तीसरे स्थान पर आए, आपका खाता खुलेगा कि नहीं, ये भी अभी आप पूरी तरह से फिक्स नहीं कर सकते। देखिए, जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता था, अभी तक वहां जो है वो डायरेक्ट मुकाबला था भाजपा और कांग्रेस का, अब एक तीसरा कोण पैदा हो गया है और वो बी टीम है, क्या कहते हैं, भाजपा की, जो ये भ्रम फैला रही थी कि जो है वही भाजपा से लड़ रही है ताकि कांग्रेस का वोट, जो सोच रहे होंगे कि कांग्रेस को वोट देना हमारा खराब हो जाएगा तभी उसकी ओर फिट हो जाए। और आपने ये देखा होगा कि मोदी जी ने अर्बन नक्सल के नाम पर एक बात और भी कही, मतलब इशारा करते हुए आम आदमी पार्टी की, कि अर्बन नक्सल के नाम पर कांग्रेस ने अपनी बी टीम उतार दी है, मतलब जो आम आदमी पार्टी बी टीम है उसको उन्होंने कांग्रेस के मत्थे मारने की इनडायरेक्ट कोशिश की, उन्होंने अपनी बी टीम जो है मतलब उतार दी है। अब सवाल इस बात का है कि एक खामोशी वाला एंगल आया कहां से। अभी पिछले शनिवार को नवसारी जिले में अनंत पटेल नाम के एक जो है वो क्या कहते हैं, तो पटेल टाइटल लेकिन आदिवासी कहे जाते हैं, एमएलए हैं कांग्रेस के, ये जा रहे थे कहीं सभा करने और उनको वहां के जो है नवनिर्वाचित सरपंच ने घेर करके उनकी कार पर हमला कराया, उनकी आंख से बहुत चोट लगी, कार में टूट फूट हुई, वो वहीं धरने पर बैठ गए और इंस्टेंटली हजारों लोग गांव से निकल करके आ गए और उन्होंने जो है मतलब जवाबी कीर्तन कर। ये जो अचानक इंस्टेंटली हजारों लोग वहां से निकल करके आ गए, ये निरर्थक नहीं है, इससे सीधे संदेश चला गया कि ये इनकी जड़ें बहुत गहरी हो गई है सब आदिवासी इलाके में, ग्रामीण इलाके में कांग्रेस की, और प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में इसी बात को जो है क्या कहते हैं इसी चिंता को दोहराया। सवाल इस बात का है कि सरकार के तंत्र से लड़ना बहुत कठिन है जब कार्यपालिका और जो है राजनीतिक दल एक हो जाएगा और उस पर जो है न्यायपालिका कुछ बोलेगी नहीं तो बेईमानी होगी। आप आखिर बताइए कि लोकसभा चुनाव हुए 2019 से 2022 हो गया और 373 सीटों का मामला है जहां वोट जो निकला और वोट जो पड़ा उसका सामने नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर के मामलों को सुन रहा है, इस मामले को नहीं सुन रहा है। तो सवाल इस बात का है कि आप कैसे कह सकते हैं कि न्यायपालिका इसमें निष्पक्ष है, तो भाई सरकार है उनकी, उनके पास चुनाव आयोग है। अभी आपके कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो क्या कहते हैं उनका वो जो है जेपी संगठन बन गया है भाजपा का और मोदी जी का, ये सब बातें निरर्थक नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जनता पूरी तरह सड़क पर निकल जाएगी तो ईवीएम बदलेगी कैसे, बेईमानी होगी कैसे। मेरा तो अभी भी आरोप है कि गुजरात के चुनाव में ग्रामीण इलाकों की इन्होंने छोड़ दिया था और शहरी इलाकों में जहां इनके रोड शो में 5 आदमी नहीं खड़े होते थे, आप उस समय का विजुअल निकाल के देख लीजिए, इनका रोड शो गुजरता था, योगी जी गुजर रहे, 5 आदमी भी उनको देखने को सुनने के लिए तैयार नहीं। बनारस में मोदी जी का रोड शो होता है तो अमित शाह पहले से पहुंच के वहां इवेंट मैनेजमेंट कराते हैं, सारे होटल धर्मशाले सारे भर जाते हैं गुजरातियों के और वो फूलों का जो है मतलब बाहर से ट्रकों फूल आते हैं जो पूरे रास्ते जो है घरों पर चढ़ करके और वहां से फूलों की बरसात होती है मोदी जी का। सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी की यात्रा तो पदयात्रा है, चुनाव में 1 महीने से भी कम समय या 1 महीने का समय मैक्सिमम होगा गुजरात में, और आप समझिए कि अगर ये पदयात्रा गौरव यात्रा निकाल रहे तो क्या ये पदयात्रा निकालेंगे, ये गाड़ी वाली यात्रा निकालेंगे, उसी तरह जैसे तिरंगा यात्रा निकालते हैं, तिरंगा यात्रा 25-50 जो है वो क्या कहते हैं हुड टाइप के बजरंग दलियों का एक समूह रहता है जो तिरंगा लिए रहते हैं या आपके क्या कहते हैं इनका अपना झंडा लिए रहते हैं और जो है कभी तिरंगा यात्रा के नाम पर, कभी और यात्रा के नाम पर, कभी गौरव यात्रा के नाम पर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमते हैं और सारा ट्रैफिक जाम करते हैं
और जरा सा भी अगर इनकी गाड़ी से कोई छू जाए तो उसको पटक के वहीं पर रोड रेस की तरह जो है मतलब भयानक रूप से पीटते हैं। इनकी गौरव यात्रा, गौरव शब्द में दम्भ है, पद यात्रा में दम्भ नहीं है, ये दोनों का अंतर समझिए आप। पद यात्रा जो है बिना दम्भ के हो रही है, एक अकिंचन व्यक्ति की तरह राहुल गांधी जो है पद यात्रा कर रहे हैं, और इनकी गौरव यात्रा दम्भिक यात्रा होगी जिसमें जो है नारे से लेके हर चीज से दम्भ प्रदर्शित होगा। दूसरी बात, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार जो है मान लिया आप आदमी पार्टी में, ऐसे में भाजपा के हारने की आशंका भी कहें संभावना भी कहें मतलब बहुत ज्यादा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो आपने कहा उससे ज्यादा वहां दंगे के आफ्टर इफेक्ट का मामला, 2002 के दंगे के बाद जैसे जैसे दंगे का मामला शांत हो गया वैसे वैसे उनकी सीटें घटती गई, और अभी अभी तो मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई, किसका शीतल वार जेल चली गई, आपके जो बिजली से मामले में तमाम जो अपराधी थे जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे वो छूट गए, तो ऐसे में जो है वो लगभग अब यहाँ दंगे का ऐसे कम खत्म हो रहा है। इसलिए इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा मेरे विचार से इस बार ये दंगे के असर से मुक्त चुनाव हो, और दंगे से असर से मुक्त चुनाव होना भाजपा के लिए बहुत बड़ी खतरे की जो है आपके मतलब धमकी है, आप समझिए बहुत बड़ी खतरे की धमकी। तो सवाल यह है कि वो प्रधानमंत्री जी ये देख रहे हैं कि अगर सब लोग सड़क पर उतर आए, जिस तरह अभी जो है आपके नौसारी वाले मामले में पटेल के जब इन्होंने इनके लोगों ने पीटा और वहां पर जो बातें हुई, तो ये जो है ऐसा ऐसी स्थिति है कि वहां जो है वो इनको जो है हो सकता है कि अपना बक्सा देखने के लिए कोई जो है कैंडिडेट ना मिले।